हेलो दोस्तों, प्री चैलेंज सीरीज के तहत मैं हूं वैभव शर्मा और मॉडर्न हिस्ट्री के आज 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। पहले क्वेश्चन में पूछा है कि जो लॉर्ड डलहौजी थे, जनरल वायसराय ऑफ मतलब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो उन्होंने पंजाब को एनेक्स कर लिया था, मिला लिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, कौन से एंग्लो सिख वॉर के तहत। तो पहला एंग्लो सिख वॉर था, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर था, थर्ड था, फोर्थ था, क्या था। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दो एंग्लो सिख वॉर हुए थे। राजा रणजीत सिंह कि 1839 में डेथ होने के बाद क्या था, जो सिख एम्पायर था वो थोड़ा वीक पड़ने लगा, डिक्लाइनिंग पे चलने लगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो एंग्लो सिख वॉर देखने हुआ। पहला एंग्लो सिख वॉर 1845 से 1846 में हुआ, जहां पे बहुत सारी वॉर्स लड़ी गई। एक आपसे मोडोकी की बैटल हुई, मोडोकी बैटल हुई, फिरोजशाह बैटल हुई, फिरोजशाह, ठीक है, बैटल ऑफ फिरोजशाह हुई, एलियावाल हुई, और आपकी सोबरॉन हुई। ये सारी बैटल हार जाने के बाद सिख एम्पायर को क्या हुआ, यहाँ पर ब्रिटिश जो था वो जीत गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटिश फाइट जीत गई, और इसके बाद जो सर विलियम एक वो थे, क्या नाम था उनका, सर हेनरी लॉरेंस, तो सर हेनरी लॉरेंस के हाथों क्या कर दिया, पंजाब को दे दिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा, ठीक है। इसके बाद सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुई, और सेकेंड एंग्लो सिख वॉर कब हुई, तो सेकेंड एंग्लो जो सिख वॉर है वो कब हुई, वो 1848 से 49 में देखने को मिली। और 49 में उसका क्या हुआ, 49 में सिख एंग्लो वॉर में 49 में क्या हुआ, यहां पर फिर से डिफीट कर दिया किसको, सिख जो आर्मी थी उसको कर दिया गया। और लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, लॉर्ड डलहौजी ने एनेक्स कर लिया, पंजाब को मिला लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट में। और जो सर जॉन लॉरेंस थे उनको पंजाब का फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब बना दिया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा आंसर होगा सेकेंड, यहाँ पे मिला लिया था, पहले में नहीं मिलाया था, ठीक है। दो ही एंग्लो सिख वॉर हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, सिविल सर्विसेज की बात करते हैं, कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनके द्वारा जो सिविल सर्विसेज थी उन सिविल सर्विसेज में इंडियंस के अपॉइंटमेंट को लेकर बात की गई है, कि कब डन किया गया था कि इंडियंस भी सिविल सर्विसेज में अपनी सर्विस दे सकते हैं। तो कौन सी ईयर में ऐसा किया गया था, इंडियंस के लिए भी ये सिविल सर्विसेज ओपन कर दिए गए थे। तो 1833 में, 1853 में, 1857 में, 1858 में। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर थे उन्होंने यूज किया, मतलब अपॉइंट करने की बात की सिविल सर्विसेज पर्सनल्स को, 1853 में उन्होंने ओपन कर दिया था, ठीक है। लेकिन ये क्या था, इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने इस प्रपोजल को रखा, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया, इस चीज को अबॉलिश कर दिया। इसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बाद में इस पर विचार किया और डिसाइड किया कि जो इंडियंस के लिए ओपन की जाएगी सिविल सर्विसेज, उसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो सारे ब्रिटिश सब्जेक्ट होंगे, ठीक है। एग्जाम लिया जाएगा, एग्जाम में सारे सब्जेक्ट ब्रिटिश सब्जेक्ट होंगे, इसके बाद कंपटीशन एग्जाम क्लियर कर लेंगे, फिर ब्रिटिश सब्जेक्ट उनको क्या है, सिविल सर्विस में अपॉइंट किया जाएगा, किसको, इंडियंस को, ठीक है। तो यहाँ पे बात करें ब्रिटिश राज के टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग ने इसका लेट फाउंडेशन रखा था सिविल सर्विसेज का, लेकिन चार्ल्स कॉर्नवालिस थे, उन्होंने काफी ज्यादा रिफॉर्म्स किए इसमें, मॉडर्नाइज किया इसको, रेशनलाइज भी किया इसको, तो इसलिए चार्ल्स कॉर्नवालिस को द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज बोला जाता है, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज चार्ल्स कॉर्नवालिस को बोला जाता है। तो ये याद रखें, कभी क्वेश्चन आता है। तो इंडिया में पहले सिविल सर्वेंट कौन थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। इनका बर्थ कब हुआ था, 1842 में इनका जन्म हुआ था, और ये पहले इंडियन थे जिन्होंने क्लियर किया था सिविल सर्विस एग्जाम में, कब, 1863 से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा 1853 हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे बात कर रहा है, तीन चार यहाँ पे कमीशन दिए गए, एक हंटर कमीशन है, इसके बाद चार्ल्स वुड डिस्पैच है, सैडलर कमीशन है और रैले कमीशन है। ये चार कमीशन दिए गए हैं, बताना है आपको करेक्ट क्रॉनिकल ऑर्डर में बताना है, कि मतलब इनको एक सही सीक्वेंस में लगाना है कि सबसे पहले कौन सा आया था। और ये चार एक चारों क्या है, ये चार एक चारों आपके एजुकेशन से रिलेटेड, शिक्षा से संबंधित आपका संबंध रखते हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले हम देखें लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन के टाइम पे जो वायसराय ऑफ इंडिया थे, इनके टाइम पे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, सॉरी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे, इनके टाइम पर एक कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसके चेयर जो चेयरमैनशिप किसके हाथ में थी, सर विलियम हंटर के हाथ में थी। और ये कमीशन क्या था, फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमीशन था, कब किया गया था, 1882।
और इसके जो चेयरमैन थे विलियम हंटर थे, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम हंटर कमीशन रख दिया गया। क्या रख दिया गया? हंटर कमीशन रख दिया गया। अब हंटर कमीशन की बात करें तो इसमें इन्होंने बहुत सारे मतलब बात की। तो सबसे पहले इन्होंने एडवाइस दी कि प्राइमरी एजुकेशन के संबंध में इन्होंने बात की कि प्राइमरी एजुकेशन लोकल लैंग्वेजेस में हो, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में, जो आपकी 1 से लेके 8 8 10 तक समथिंग होती है, वो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में हो, जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें प्राइमरी एजुकेशन दी जानी चाहिए। हायर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है से गवर्नमेंट क्या करे, अपना कंट्रोल हटा ले, कुछ रिफॉर्म इन्होंने इसमें किए थे। गवर्नमेंट कॉलेज के लिए फाइनेंशियल एक मतलब हेल्प प्रोवाइड करना, उनको ग्रांट देना, उनको कुछ अनुदान देना, ये सारे इसमें रिफॉर्म बात की गई थी जिसमें हंटर कमीशन में। चार्ल्स वुड कमीशन की बात करें तो चार्ल्स वुड कमीशन को मैं ये 1854 में आया था, और इसको प्रेसिडेंट कौन थे, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रेसिडेंट थे उन्हीं को वुड डिस्पैच कहा गया उसी के आधार पर, ठीक है। और वुड डिस्पैच में बात करें, चार्ल्स वुड इसके कौन थे, चार्ल्स वुड डिस्पैच के, चार्ल्स वुड ने प्रेसाइड किया था चेयरमैनशिप थिंग के बाद, इसी इन्हीं के नाम पे वुड डिस्पैच पड़ गया था इसका नाम, ठीक है। तो वुड डिस्पैच की बात करें, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या? मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, वो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। तो वुड डिस्पैच की बात करें, इसमें भी बहुत सारे मतलब इंडिया एजुकेशन को से रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे जैसे हायर एजुकेशन है उसका बोला गया मीडियम तो इंग्लिश हो, बस रीजनल लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया जाए वहां पे। ऐसा नहीं कि रीजनल लैंग्वेजेस को, आपके जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं, लोकल लैंग्वेजेस हैं, उनको प्रमोट नहीं कराया। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या किया, आर्ट एंड कल्चर, साइंस, फिलोसफी, लिटरेचर, जो एंशियंट एजुकेशन है इंडिया की, उसको भी उन्होंने कहा कि उसको भी एक्सटेंड किया जाए, उसको भी बढ़ावा दिया जाए, ठीक है। जो कला, संस्कृत, भारत का दर्शन है, इन सबको भी बढ़ावा दिया जाए, इन सबको भी पढ़ाया जाए बच्चों को, ऐसा बोला गया वुड डिस्पैच में, ठीक है। इसके बाद 1917 में आपका क्या आया, सैडलर एक मतलब थे, उनके नाम पे सैडलर कमीशन आया, ये भी एजुकेशन से रिलेटेड था। और सैडलर कमीशन में क्या बोला गया, सैडलर कमीशन की बात करें तो इसमें इंटरमीडिएट को बोला गया, जो इंटरमीडिएट है उसको आप मतलब हायर एजुकेशन से अलग, जो यूनिवर्सिटी है उनसे अलग रखिए, इंटरमीडिएट के लिए आप एक बोर्ड बनाइए, जो भी है इंटरमीडिएट बोर्ड, ठीक है। तो ये इन सारी चीजों पे बात की गई है। और जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी है तो उसपे क्या है, उसपे मतलब गवर्नमेंट का जो भी कंट्रोल है उसको हटा देना चाहिए, ये सारी चीजें बोली गई आपकी सैडलर कमीशन में। इसके बाद आपका रैले कमीशन आया, रैले कमीशन 1902 में आया, रैले कमीशन। और रैले कमीशन किसके टाइम पे, सर थॉमस रैले ने प्रसाइड किया था इसको, तो इन्हीं के नाम पे रैले कमीशन पड़ गया। तो इसमें क्या था, जो कर्जन के टाइम पे जो कमीशन उन्होंने बनाया था यूनिवर्सिटी को लेके, इंडिया में जो यूनिवर्सिटी थी उनसे रिलेटेड ये रैले कमीशन था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, आंसर होगा देखो हंटर कमीशन हो गया। तो सबसे पहले क्या आया था, सबसे पहले रैले कमीशन आया था चार, हाँ सबसे पहले सॉरी हाँ टू आया था, चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854, इसके बाद हंटर कमीशन वन आया 1882, इसके बाद फोर आया आपका रैले कमीशन आया 1902, और इसके बाद थ्री आया 1917। तो 2143, 2143 किसमें, बी ऑप्शन इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपिन चंद्र पॉल पे इन्होंने एसोसिएटेड है कहा जा रहा है, इन विच ये नीचे न्यूज़पेपर कुछ दिए गए हैं, कहा जा रहा है कि विपिन चंद्र पॉल के इनमें से कौन से न्यूज़पेपर है, कौन से न्यूज़पेपर से संबंधित है विपिन चंद्र पॉल। तो पहला पहला न्यूज़पेपर है आपका प्रदर्शक, और फिर है आपका बंगाल पब्लिक ओपिनियन, फिर आपका द ट्रिब्यून है, इसके बाद न्यू इंडिया। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, देखिए चारों है या 1 2 3 है या 1 3 4 है, क्या है इसमें। तो देखो विपिन चंद पाल की बात करें, इनको जो पाल इज नोन एज द फादर ऑफ रिवोल्यूशनरी थॉट्स इन इंडिया, भारत में जो भी क्रांतिकारी विचार थे उनका पिता कहा जाता है किसको, विपिन चंद्र पाल को। और ये लाल बाल पाल में से एक आते हैं, लाल बाल पाल, जो लाल बाल पाल बोला जाता है, लाल बहादुर शास्त्री, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये तीन में, ठीक है। ये एक्सट्रीमिस्ट एक दो थे ना, एक्सट्रीमिस्ट और एक आपका दूसरा वाला था, तो इसे एक्सट्रीमिस्ट में से आते थे, ठीक है। तो बाल बिकम द मेजर लीडर थे ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के, 1887 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक सेशन हुआ था मद्रास सेशन, उसको इन्होंने प्रेसाइड किया था। और इन्होंने जो आर्म्स एक्ट आया था ना 1878 में लिटन के टाइम पे, तो उसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था, एक स्ट्रॉन्ग इन्होंने अपोज किया था इसका कोर्ट में जाके। तो डिस्क्रिमिनेटरी इन नेचर है, इन्होंने ऐसा कहा था कि ये भेदभाव करता है, ठीक है, ये वाला जो एक्ट आया है। तो देखे यहाँ पे प्रदर्शक भी इनका एक वीकली न्यूज़पेपर था विपिन चंद्र पाल का, और इन्होंने हिंदू रिव्यू भी मंथली था इनका, न्यू इंडिया 1901 में इन्होंने एक प्रमोट किया था अपनी ब्रांड को सोशलिज्म
को लेकर बंगाल जो पब्लिक ओपिनियन था द ट्राइगोन, ये चार के चारों थे और हिंदू एक एक्स्ट्रा यहाँ पे और लिखा हिंदू रिव्यू, ठीक है। तो ये चारों क्या थे, बिपिन चंद्र पाल के न्यूज़पेपर थे। तो आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ रेनेसेंस, रेनेसेंस। तो फादर ऑफ रेनेसेंस मतलब यहाँ पे कहें तो भारतीय पुनर जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का फादर पूछा है, का पिता किसको कहते हैं, फादर ऑफ रेनेसेंस। तो देखो यहाँ पे फादर ऑफ रेनेसेंस किसे कहते हैं, चलिए तो राजा राम मोहन राय इज रिगार्डिंग एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस, ठीक है। इनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट किया था, प्रोटेक्ट किया था हिंदुज्म को, इंडियंस के जो राइट थे, इन्होंने सोसाइटी जो इंडियन हिंदू हिंदू सोसाइटी में जो भी कुरीतियां थी, ठीक है, जैसे सती प्रथा था, वुमेन्स जो विडो रिमैरिज था, वुमेन्स एजुकेशन था, इन सारी चीजों पे इन्होंने फोकस किया और इन सब चीजों को ऊपर लाए, इन्होंने इन पे बात की, ठीक है, अच्छे से। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस बोला जाता है इनको, ठीक है। तो इन्होंने काफी सोशल रिफॉर्म्स भी किए, रिलीजियस रिफॉर्म भी किए इन्होंने अपने टाइम पे। तो हम राजा राम मोहन राय की बात कर लें, राजा राम मोहन राय का बर्थ कहाँ पे हुआ था, ये राधानगर मुर्शिदाबाद वेस्ट बंगाल में 1772 में हुआ था। इन्होंने पर्शियन में भी स्टडी की, अरेबिक संस्कृति काफी ज्यादा, इन्होंने उपनिषद भी पढ़े, वेदा कुरान भी पढ़ा। इन्होंने जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी था वहां पे इन्होंने सर्विस भी की है, ठीक है। इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, जो एक मुगल एम्परर था, ठीक है। फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता था इन्हें, आधुनिक भारत का पिता भी बोला जाता था। किसने बोला था, ये गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला था। इस टाइप से क्वेश्चन बन जाए कि राजा राम मोहन राय को फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने बोला, तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बोला, क्योंकि देखो RO ARO UPPCS जैसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा क्वेश्चन, ठीक है। तो इन्होंने काफी ज्यादा, इन्होंने क्या किया, सेवरल हिस्टोरियंस ने इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस भी बोला, क्योंकि इन्होंने वो इंडियन सोसाइटी में काफी ज्यादा जो चेंजेस लाए थे, रिफॉर्म्स लाए थे, सती प्रथा को एबॉलिश करना, वुमेन जो एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सारी चीजें इन्होंने की थी, ठीक है। इनकी ब्रिस्टल में इनकी डेथ हुई थी, ये चीज रखना इंपॉर्टेंट, 1833 में इनकी ब्रिस्टल में, ब्रिटेन में इनकी डेथ हो गई थी। तो सोशल रिफॉर्म की बात करें तो इन्होंने सती प्रथा को क्या किया, अपोज किया और उसको बैन करवा दिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक उस टाइम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। इसके बाद इन्होंने इंटरकास्ट मैरिज का फेवर किया, ठीक है, वुमेन एजुकेशन, विडो री मैरिज, इन सब चीजों का इन्होंने क्या किया, फेवर किया। इन्होंने आत्मीय सभा 1814 में बनाई, ब्रह्म समाज 1828 में बनाया, ब्रह्म समाज एक सोशल रिफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन टाइप की थी, और 1818 में बनाया, ब्रह्मो सभा था, बाद में इसका नाम ब्रह्म समाज पड़ गया था, ठीक है। तो ये था राजा राम मोहन राय के बारे में। तो आंसर हमारा क्या होगा, हमारा बी ऑप्शन यहाँ का आंसर होगा। तो चलिए ये थे हमारे 5 क्वेश्चन, और इस लेक्चर की जो PDF है आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, के लिए चाहिए।